हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कॉची थ्योरम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। कॉची थ्योरम जनरली क्या होता है, फंक्शन एट जेड जीरो अगर फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 1/2πi इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फाइ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड जीरो dz। इसमें अगर इस क्लोज इंटीग्रेशन का मीन्स क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फाइ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, ये जो नोटेशन है ये चेंज हो सकती है। मीन्स फाइ ऑफ जेड की जगह एच ऑफ जेड, जी ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2πi इधर चले जाएगा, 2πi इंटू फंक्शन एट जेड जीरो। मीन्स अगर क्लोज इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड जीरो फाइंड करना है तो 2πi इंटू फंक्शन एट जेड जीरो फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है फॉर सिंपल पोल, इसलिए है फॉर सिंपल पोल। अब अगर ऑर्डर ऑफ पोल है, सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फाइ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय z माइनस जेड जीरो रेस टू एन डी जेड, सो इसका फॉर्मूला होगा 2πi डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल f ऑफ f एट जेड जीरो। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ खाली चेंज होगी, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। f ऑफ z जो भी होगा उसका उसमें z की जगह जेड जीरो की वैल्यू पुट करना है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है n माइनस 1 टाइम्स, मतलब जितना इसका पावर रहेगा उससे एक कम टाइम डेरिवेट करना होगा, फिर उसमें वैल्यू पुट करना है। इस कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची थ्योरम का एक नाम कॉची इंटीग्रल थ्योरम भी है। सो कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अंदर तीन अलग अलग कैटेगरी आएगी। फर्स्ट जो होगी वो होगी बोथ पोल्स आर आउटसाइड, जितने भी पोल गिवन रहेंगे वो पोल्स क्या होंगे, आउटसाइड। अगर ऐसा है तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ जो फंक्शन ऑफ जेड पूरा लिखे थे अपॉन जेड माइनस जेड जीरो और वो रेस टू एन हो या नहीं हो, सिंपल पोल हो, उसका आंसर हो जाएगा जीरो इफ ऑल पोल्स आर आउटसाइड। सेकेंड कैटेगरी है कि इफ वन इज इनसाइड एंड अदर इज आउटसाइड। अगर ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सम है जिसमें फंक्शन ऑफ जेड विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फाइ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड वन एंड जेड माइनस जेड टू डी जेड, सो उसमें क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल पोल जेड वन इज इनसाइड एंड जेड टू इज आउटसाइड, अगर ऐसा होता है। अच्छा, ये इनसाइड आउटसाइड चेक करने के लिए कंडीशन होगी। ओके, उसको कैसे चेक करेंगे वो सब में अपन डिस्कस करेंगे। सो इनसाइड एंड आउटसाइड हो गया अगर, तो इसमें से जो इनसाइड वाला पार्ट रहेगा, इसकी वजह से जो इनसाइड है, ठीक है, उसको साइड में रखेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। मीन्स जो तुम्हारा फंक्शन ऑफ जेड होगा जो न्यूमिनेटर में होना चाहिए, मीन्स इसमें न्यूमिनेटर वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं, अगर जो फंक्शन ऑफ जेड है वो हो जाएगा फाइ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड टू। अब इसके अंदर तुमको वैल्यू पुट करना है जेड वन की। ओके, सो फंक्शन ऑफ जेड वो हो चुका है, सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फाइ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड वन z माइनस जेड टू डी जेड विल बी इक्वल टू 2πi इंटू एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड किसको लिए है, ये वाली वैल्यू को। ओके, इसमें z की जगह पे z1 पुट करना है क्योंकि z1 क्या है, इनसाइड। तो यहां पे क्या आ जाएगा, z1। ओके, जो थर्ड वाला है वो है
if both poles are inside. So ऐसी condition में अगर both pole inside आ जाते तो क्या करना है, जो अपना क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ y ऑफ z अपॉन z माइनस z1 एंड z माइनस z2, अगर ये दोनों के दोनों पोल इनसाइड है, बोथ z1 एंड z2 आर इनसाइड, सो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ये जो दो पार्ट है इसमें से phi ऑफ z साइड में करना है, जो भी फंक्शन ऑफ z होगा, सो बचा वन अपॉन जेड माइनस जेड वन एंड जेड माइनस जेड टू, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा ए अपॉन जेड माइनस जेड वन प्लस बी अपॉन जेड माइनस जेड टू, जो भी दो वैल्यूज दी होगी ए और बी की उसके हिसाब से वो स्प्लिट हो जाएगा, और फिर फाई जो रहेगा वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, जब यहाँ पे फाई आएगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ दोनों जगह फाई आ जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू डी जेड इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए, अगर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले सकता हूँ मैं, सो ए बाहर आ जाएगा वन अपॉन जेड माइनस जेड वन, अब वन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है फाइव, जब फाइव ऑब्वियसली यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों जगह होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा फाइव ऑफ जेड डी जेड प्लस बी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फाइव ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड टू, अब इसका अलग कौची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसका अलग अप्लाई करेंगे, सो एक के लिए फॉर्मूला है कि टू पाई आई इन टू एफ एट जेड जीरो, यहाँ पे जेड वन है, सो इधर पे आ जाएगा आंसर ए टू पाई आई इन टू एफ एट जेड वन प्लस बी टू पाई आई इन टू एफ एट जेड टू, यहाँ जेड टू की वैल्यू और यहाँ जेड वन की वैल्यू पुट करना है और ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। अब पोल्स के बारे में एक वो देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सम है कि वन अपॉन जेड माइनस टू एंड जेड प्लस थ्री द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर जो भी है वो इक्वेट टू जीरो करेंगे, तो जेड माइनस टू एंड जेड प्लस थ्री द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, देन जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो और जेड प्लस थ्री द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सो जेड इक्वल टू टू एंड जेड इक्वल्स टू माइनस थ्री, बट यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर उधर चला गया रूट हुआ, लेकिन रूट जीरो का रूट भी जीरो ही होता है, इसलिए सिर्फ थ्री उधर गया बाद में जब, तो यहाँ पे क्या मिला माइनस थ्री, लेकिन ये वाला है फॉर सिंपल और ये वाला है ऑर्डर वाला, अब ऑर्डर कितना है इसका, जो इसका पावर रहेगा वो ऑर्डर ऑफ टू, एन की वैल्यू जो फॉर्मूले में एन लिखा हुआ है और एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे। अब एक लास्ट चीज, अब अगर ऑर्डर और सिंपल वो आ गया, अब कंडीशन चेक करना है इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, तो सी दिया होगा, अब वो सर्कल हो एलिप्स हो जो भी हो, ठीक है, उसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल ऐसा दिया है मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू फोर, ओके एक सम में है ऐसा मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू फोर, सो उसमें क्या करना है आपको, आपके जो दो पोल्स आए फॉर एग्जांपल ये जो दो पोल्स स्टडी किए थे, ये जो दो पोल्स स्टडी किए थे z इक्वल्स टू टू एंड z इक्वल्स टू थ्री, सो इन दोनों में से इस कंडीशन के हिसाब से मीन्स टू एंड माइनस थ्री, कंडीशन क्या है कि z मॉड्यूलस ऑफ z इज फोर, अब ये मॉड ऑफ z का मतलब होता है सर्कल, ठीक है, मॉड ऑफ z का मतलब क्या होता है सर्कल जिसका सेंटर जो ओरिजिन पे है और रेडियस जो है वो टू है, फोर है सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज फोर, सो क्या करना है इसके बाद, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है अगर आपको, इसका रेडियस हो गया फोर, अब इस सर्कल के वो जो पोल्स है वो इनसाइड है, ऑब्वियस है वो जो टू नंबर है वो यहां कहीं होगा और जो माइनस थ्री है वो यहां कहीं होगा, सो दोनों के दोनों इनसाइड द सर्कल आ रहे हैं, ठीक है, अगर कोई नंबर इस सर्कल के आउटसाइड जा रहा है तो उसको आउटसाइड कंसिडर करेंगे, जो इनसाइड आ रहा है इनसाइड, अगर ऑन द सर्कल है तो उसे भी आउटसाइड कंसिडर करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स,
अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।